सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। और आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सीकर चूरू सेक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दीजिए। ऐसा हो सकता है आप बोलो और इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट वीडियो ना आए। फाइनली आज हम सीकर चूरू सेक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देने वाले हैं। कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कम्प्लीट हो चुका है कम्प्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, अब हम रवाना हो चुके हैं सीकर जंक्शन से। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के। तुझे तो आपको पता है कि सीकर झुंझुनू लुआरू वाले सेक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है और सीआरएस भी कंप्लीट हो चुका है लुआरू तक। आज हमारे जिस टॉपिक पर बात होने वाली है, तो आज हम बात करते हैं कि सीकर फतेहपुर शेखावटी और चूरू वाले सेक्शन पर कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम रवाना हो चुके हैं सीकर जंक्शन से। अब जैसे ही झुंझुनू और फतेहपुर शेखावटी वाली लाइन डाइवर्ट होती है, तो हम डाइवर्ट हो चुके हैं फतेहपुर शेखावटी की ओर। तो लाइन डाइवर्ट होने के आप इस वाले लोकेशन पे देख सकते हो कि यहाँ पे वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। इस वाले लोकेशन पे देख सकते हो वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है लाइन डाइवर्ट होने के बाद। अब आपको मिलते हैं रशीदपुरा रेलवे स्टेशन के स्किप के बाद। अब करते हैं इस वीडियो को रेगुलर। सो गाइज, अभी हम स्किप कर रहे हैं रशीदपुरा खोरी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पे वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। यानी कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर को आपस में ड्रॉपर वायर की सहायता से भी जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो वायरिंग का काम रशीदपुरा रेलवे स्टेशन पर कंप्लीट हो चुका है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आगे आपको पता लगेगा कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क हो चुका है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ये इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। रेगुलर करते हैं इस वीडियो को।
सो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो रेलवे स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर पहले तक ही अभी वायरिंग कंप्लीट की गई है। रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हो कि अभी वायरिंग का काम नहीं किया गया है, ओनली स्टेटूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क ही कम्प्लीट किया गया है, पर अभी यहाँ पे वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया है लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन पर। यदि आपका कुछ डाउट रह गया हो लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन पर, कुछ भी डाउट रह गया हो इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन तक। यदि आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन से पहले करीबन 1 किलोमीटर पहले तक ही अभी वायरिंग कंप्लीट की गई है। अभी ये मत सोचना कि आगे अभी वायरिंग कंप्लीट नहीं की गई है, आगे भी वायरिंग की जा चुकी है। रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आगे देखिए कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस जिस चीज के लिए आप सोच रहे थे कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए किस जगह तक वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है सीकर चूरू सेक्शन पर, तो आप इस वाले लोकेशन पर देख सकते हो इस वाले लोकेशन तक वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। ये लोकेशन की बात करें तो ये लक्ष्मणगढ़ सीकर फतेहपुर सेकावटी बीच का लोकेशन है, तो इस जगह तक अभी वायरिंग का काम कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अभी पोल्स लगाए गए, पोल्स को 90 डिग्री पे खड़ा कर स्टेटूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क कंप्लीट किया जा चुका है, परंतु अभी कुछ पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है। रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं किस जगह पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया, कुछ पोल्स को अभी फाउंडेशन में भी नहीं लगाया गया। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन से पहले आप इस वाले लोकेशन पर देख सकते हो कि अभी पोल्स लगाए गए हैं, पोल्स को 90 डिग्री पर भी खड़ा नहीं किया गया है, ओनली फाउंडेशन या आप बोल सकते हो चैम्बर्स में पोल्स को रख दिया गया है। 90 डिग्री पर अभी पोल्स को खड़ा नहीं किया गया है, ना ही स्टेटूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क स्टार्ट किया गया है इन पोल्स पर। आगे चलते तो आगे आप इस वाले लोकेशन पर देख सकते हो कुछ फाउंडेशन में अभी पोल्स भी नहीं लगाए गए। अभी फाउंडेशन का वर्क तो कंप्लीट किया जा चुका है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इन फाउंडेशन में, इस कारण से पोल्स नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि आगे पोल्स भी लगा दिए गए और स्टेटूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी कंप्लीट किया जा चुका है। आगे आप देखोगे तो आगे पोल्स भी लगा दिए गए, पोल्स पर स्टेटूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी कंप्लीट किया जा चुका है, पर इस वाले लोकेशन पर अभी फाउंडेशन का वर्क ही कंप्लीट किया गया है, पोल्स भी नहीं लगाए गए यहाँ पर। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आपको मिलते हैं फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन के अराइवल पर। तो गाइस
गाइस अब हम आ चुके हैं फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेटूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क तो कंप्लीट किया जा चुका है फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन पर, अभी वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर ओनली स्टेटूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क ही कम्प्लीट किया गया है, वायरिंग का काम यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया गया है। और अपना फर्स्ट पार्ट था फतेहपुर सेकावटी रेलवे स्टेशन तक, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पार्ट सेकंड बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलेंगे जल्द ही पार्ट सेकंड में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।